ठीक है विकास जी जी, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार बहुमत नहीं जी पाएगी। देखिए कहने के लिए तो कुछ भी कहिए, पिछली बार भी ये दावे किए जा रहे थे 2019 में कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी, क्या स्थितियां रही ये पूरे देश ने देखा और आप सबने भी देखा। मुझे लगता है कि कांग्रेस शशि थरूर जी ये भूल जाते हैं कि इस देश की जनता को वोट करना है, केवल शशि थरूर जी के एकमात्र वोट कर लेने से या ना कर लेने से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साख या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तक पहुंचने पर, सरकार तक पहुंचने पर किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न होगी। मुझे दूसरी बात यहां तक समझनी है, कम से कम शशि थरूर जी बोले तो, इलेक्शन होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि शशि थरूर जी ने कोई बयान लिया है, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कांग्रेस नेतृत्व को कि उन्होंने शशि थरूर जी को मनाने का प्रयास किया, मैं इसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी चीज मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा समय यात्रा नहीं है, एंटरटेनमेंट यात्रा है। कारण कि आप समझिए कि इस देश में 2004 से राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उसके बाद राहुल गांधी की क्या स्थितियां रही ये पूरे देश ने देखा है। आखिर ये इमेज मेकओवर का, अब आप बोल लीजिएगा मेरे भाई, अभी आपको ही बोलना है, एंकर जी नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, ये अधीरता है कांग्रेस के अंदर, अधीर नहीं होना चाहिए, आदमी के अंदर पेशेंस होना चाहिए और जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो चाहे कितनी भी यात्राएं निकाल ले, चाहे कितना भी प्रोपोगंडा कर ले, तो वो सत्ता तक जाने की जो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है कि सत्ता तक जाने वाली है। कारण कि आप गुजरात से निकल करके आइए और आते चलते चले आइए कि राहुल गांधी जिस चुनाव में जाते हैं उस चुनाव में राहुल गांधी की क्या स्थितियां रहती हैं कांग्रेस की, ये पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ में वहां के नेतृत्व ने मना कर दिया था कि राहुल गांधी को मत भेजिएगा, ये हमने नहीं कहा, वहां के नेतृत्व ने कहा है कि राहुल गांधी को वहां प्रचार करने मत भेजिएगा। तो ये स्थितियां हैं, ये एक्सेप्टेंस डेवलप, एक्चुअली में प्रॉब्लम इज दैट कि राहुल गांधी अपनी एक्सेप्टेंस डेवलप करना चाहते हैं और राहुल गांधी एक बात भूल जाते हैं कि इस देश में एक्सेप्टेंस तब तक नहीं डेवलप होगी जब तक आपकी नीयत नहीं साफ होगी, आपकी नीयत में जब तक खोट है तब तक आपकी एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हो सकती। साफ नीयत और सही विकास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नारे के साथ ये पूरा देश आगे बढ़ रहा है, ये हम सब देख रहे हैं पिछले 8 साल में हुए अमूलचूल बदलावों की कहानी ये देश देख रहा है और अपनी जीती जागती आंखों से देख रहा है और मुझे लगता है कि ये देश उसी पर मोहर लगाने जा रहा है 2024 में। मैं विश्वास के साथ नहीं 100% श्योर हूं कि हमारी सीटें पिछली बार से बढ़ के आने वाली हैं क्योंकि जनता के बीच जो हमने काम किया है उस पर मोहर लगने का वक्त 2024 में आ गया है। ठीक है आशीष जी, रखिए अपना पक्ष। देखिए जो मेरे अपोनेंट थे बीजेपी के, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहारा आघात और आक्षेप लगाने से पूर्व आप देख लीजिए, आप देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीश धनखड़ जी जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, रिसेंटली ही गिवन यू नो कंप्लीटली कंडेमनेबल स्टेटमेंट दैट इन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द पार्लियामेंट इज सुप्रीम देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहा जी फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल का स्टूडेंट इज एबल टू गिव एन एडवाइस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम देन द पार्लियामेंट। पता नहीं कौन से देश का संविधान पढ़ के देश के उपराष्ट्रपति होने के पश्चात भी इस प्रकार का बेतुका बयान दे रहे, क्या पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है। अनडाउटेडली हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी वर्सेज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, लेकिन जब पार्लियामेंट ऐसा लेजिस्लेशन लेके आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो, तब जुडिशरी के पास राइट होता है कि वे उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को नल वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। तो हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तीसरी बात, राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप मर रहे थे कि विभिन्न प्रदेशों से राहुल गांधी जी को चुनाव प्रचार के लिए मना कर दिया गया। अरे भाई कौन से मीडिया की जानकारी के थ्रू आपके पास ये जानकारी आई है, मुझे मेरे साथ जरा साझा कीजिए, मैं भी जानने में थोड़ा रुचि लूंगा कि किस प्रकार से आपके पास इस प्रकार की जानकारी आई है। बीजेपी की सोशल मीडिया के टीम के थ्रू जो जानकारी आती है वो सारी की सारी जानकारी वैधानिक नहीं होती है, ना ही पुख्ता होती है, तो कृपया उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और प्रियंका गांधी जी के अथाग प्रयास के कारण ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कर्नाटक में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने सभाएं की है,
आपको आने वाले विधानसभा के चुनाव में मालूम होगा और आप अवगत होंगे कि किस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनेगी। आप देखना, आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी निजी छवि के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पूर्व स्वयं के गिरेबान में जाग के देखिए। नेहा जी, ये वही पार्टी है जिसने हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की छवि को पप्पू क्या क्या पता नहीं किन किन नामों से उनको सम्मानित करने का प्रयास किया, फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भी नाम से बुलाइए। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी एक सच्चे नेता बनकर उभर आए और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज खल रही है। ठीक है विकास जी, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, कहीं ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाला प्लान बीजेपी के ऊपर भारी ना पड़ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए जी, आपने बात कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम प्लान, छत्तीसगढ़ में भी पास कर दीजिए, मेरा आग्रह है। रुक जाइए भाई सुन लीजिए डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी पास कर दिया, आप हर जगह पास कर दीजिए। क्यों कर दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में खत्म कीजिए इसने हाजी, और 2004 के बाद से 2014 तक इस देश की सरकार में कौन रहा है? कांग्रेस। इस देश की सरकार में कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, इस बीच कांग्रेस ने वो स्टेप क्यों नहीं लिया, क्यों ले रहे हैं वो स्टेप, उसका कारण समझिए। उन्हें देश से लेना देना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या नफा नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा कि नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। क्योंकि अगर मतलब होता तो 10 साल में जो कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही, इस बीच जब से ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हुई कांग्रेस लागू करती, उसे नहीं किया, दोहरा चरित्र कांग्रेस का। अब दिक्कत यहां पर है क्योंकि सत्ता उनसे बहुत दूर चली गई है, अब वो हर काम करेंगे, चाहे वो चाइना की तारीफ करने की बात हो, भारतीय सेना को कटघरे में करने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बात हो, हर वो काम करेंगे जिससे सत्ता उनके हाथ में आ जाए। मैं पहले ही कहता हूं आपसे, कांग्रेस की एक ही नियत और एक ही नीति है, वो है सत्ता केंद्रित राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी की एक ही नियत है, वो है जनता केंद्रित राजनीति। ये डिफरेंशिएशन है दोनों राजनीतिक दलों के बीच में विशुद्ध रूप से। दूसरी चीज, अभी संविधान की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे थे हमारे काबिल प्रवक्ता, मुझे लगता है कि एक बात भूल जाते हैं, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का और ऐतिहासिक धज्जियां उड़ाने का काम चाहे साहबानों के केस से लेकर के हो और चाहे किसी भी केस को लेकर के हो, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया है। इतिहास में इतने संविधान संशोधन किसी राजनीतिक दल ने सत्ता में आने के बाद नहीं किए जो कांग्रेस ने किए हैं संविधान में संशोधन। दूसरी चीज, पप्पू की बात कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये पप्पू भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, देश की जनता जब इस तरीके के व्यंग करती है तो मुझे लगता है ये आत्ममंथन का विषय है। क्योंकि राहुल गांधी को तब नहीं समझ में आया जब राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़े अगुवा सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक विधेयक पास किया और देश के तथाकथित युवराज जाकर के मीडिया के सामने वो विधेयक फाड़ देते हैं, तब कांग्रेस के लोगों को पप्पू और सरकार के बीच में फर्क समझ में नहीं आया, तब कांग्रेस के लोगों को नहीं समझ में आया, देश की जनता के सामने उन्होंने उदाहरण पेश किए और देश की जनता ने यह तय किया है कि किसे क्या मानना है किसे क्या नहीं मानना है। कोई राजनीतिक दल ये मनवा नहीं सकता और अभी ये स्पष्ट हो गया कि ये यात्रा किस लिए चल रही है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये यात्रा उनके इमेज को मेक ओवर करने के लिए चल रही है, कांग्रेस में युवराज के इमेज को मेक ओवर करने के लिए चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास दूसरा विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है कांग्रेस के पास जो राहुल गांधी को रिप्लेस करके पूरे देश में कांग्रेस ये कह सके कि हाँ हम वंशवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम धोएंगे करेंगे कुछ भी करेंगे, इमेज में कवर करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे राहुल गांधी के ही नेतृत्व में। ये कैसा कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है कि जो राहुल गांधी और गांधी परिवार पे आकर के खत्म हो जाता है, ये कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है और किस तरफ इस देश को भ्रमित करना चाहती है कांग्रेस। ठीक है आशीष जी, सवाल पूछा है जवाब दीजिए। सवाल तो देश की जनता पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूछ रही है कि कब प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे, कब इस वादे को प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था
कि 2022 तक देशवासियों को पक्के घर की छतें प्रदान की जाएगी। वो छतें कब मिलेगी? तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाएंगे। वर्तमान में देश की इकोनॉमी ओनली $3.5 ट्रिलियन की है और हम चाइना के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं जबकि उसकी इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2400 घंटे देशवासियों को बिजली प्रदान की जाएगी। कब देशवासियों को बिजली मिलेगी? आज भी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांवों में जाके देख लीजिए, आपको मालूम होगा वास्तविकता। तो जो जुमलेबाजी करने की जो सरकार की जो चाल है, षड्यंत्र है, ये कदापि सफल नहीं हो पाएगा। आज देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता निरंतर उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जीडीपी को सुधारने के स्थान पर लोगों के घर की जीडीपी गैस, डीजल और पेट्रोल को तबाह कर दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अतः एक नया नारा दिया था हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और प्रमुख प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का नाम होना चाहिए भारतीय जनलूट पार्टी, जो सबका साथ और सबका विकास में नहीं किंतु सबके साथ विश्वासघात करने में विश्वास रखती है, भारतीय जनलूट पार्टी। ठीक है विकास जी। जी, बार बार मुद्दा कहीं से भी शुरू हो रहा है, बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी हो चाहे राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी हो, बड़े पिछड़ चुके हैं उनकी नीतियों की वजह से। क्योंकि देखिए, जनता वोट करती है, समझ लीजिए कार्यकर्ता आपका चुनाव लड़ता है और जनता वोट करती है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की पार्टी को एक विषय बहुत हद तक समझने की आवश्यकता है। वो विषय ये कि राहुल गांधी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे बिजली की, मुझे लगता है कि या तो वो उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं है या उत्तर प्रदेश के हालात को नहीं समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, किसी उत्तर प्रदेश में बिजली आना खबर हुआ करती थी? इसमें आज ही आप गवाह हैं इस बात की, आपने एंकरिंग की है और आपके चैनल ने नीचे तक काम किया है, आप खुद जानती हैं उत्तर प्रदेश की इसकी स्थितियां क्या थी। आज बिजली आना खबर नहीं, बिजली जाना खबर होती है कि आज बिजली चली गई। इस देश में 60 साल शासन करने वाले हर गांव तक बिजली पहुंचा नहीं पाए और 20 और 24 घंटे बिजली देना तो बहुत दूर की बात है। आज माननीय मोदी जी की सरकार आई तो हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। आप ये समझिए, इस देश के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बना दिए, जो कह रहे थे अभी कि हर गरीब को छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो वो करके दिखाया है। अगर 2 साल कोरोना की भेंट ना चढ़े होते और देश की स्थितियों में यह मूल चूप बदलाव नहीं आया होता, तो इसने ये पूरा देश जानता है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो ये करके दिखा देती। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, जो पूरे विश्व में अनोखी स्कीम है और सबसे ज्यादा लोगों को कवर करती है। ये किसके शासनकाल में? ये वो माननीय मोदी जी के शासनकाल में हुआ। ये सब कांग्रेस के चश्मे से नहीं देख सकता, क्योंकि 60 साल इन्होंने क्या किया? चीफ घोटाले से लेकर के यूरिया घोटाला हो और चाहे 2G 3G घोटाला हो, घोटालों की सरकार चलाने वाले ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ काम किया। इन्होंने तो लोगों को मैनेज किया और सरकार बनाई। हमने जनता को मैनेज किया और जनता को मैनेज करते चले आ रहे हैं। जनता के बीच में हमारी स्वीकार्यता है, इसको लेकर के कांग्रेस को भयभीत नहीं होना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें आती, एक बात समझिए, आप लीडरशिप पे बहुत हद तक डिपेंड होते हैं। जब आप राजनीतिक दल होते हैं तो आपको लीडरशिप पे विश्वास होना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को और जनता को। मुझे लगता है ये कमी राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस में स्थायित्व तो बना चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने तय कर लिया है। जैसे आशीष जैसे आतंक कार्यकर्ता आज मजबूर है मानने के लिए कि राहुल गांधी हमारे नेता है, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया है कि कांग्रेस में उनकी जगह गांधी परिवार की जगह कोई ले नहीं सकता। ये वो कारण है कि आशीष जी गाये बगाए मन हो चाहे ना हो राहुल गांधी की वकालत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर थोप दिए गए हैं राहुल गांधी और इनके बस में नहीं है कि उन्हें रिप्लेस करके दूसरा कोई नेता स्टैंड किया जा सके कांग्रेस के अंदर। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ठीक है आशीष जी। जी, लगातार भारत जोड़ो यात्रा जारी है, क्या वाकई कांग्रेस की 2024 को लेकर के पूरी तैयारी है? देखिए, इससे पूर्व भी मैंने अपनी बात में रेखांकित किया था कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना नहीं है, सत्ता की भूख को प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र और मात्र भारत के नेता ये कह रहे हैं। जी क्या बताइए?
कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये खुद ही कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके की भीड़ दिख रही है उससे साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तरीके से अब जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। तो जनता कांग्रेस का समर्थन कर रही है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो देशवासियों को खत लिखा है, उस खत में उन्होंने स्वयं तौर पर प्रलेखित किया है कि हमारा उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति का नहीं है, किंतु देश में जो नफरत की, द्वेष की, ईर्ष्या की जो राजनीति का जो वातावरण निर्मित हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, उसी वातावरण को नेस्तनाबूद करके देश में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक सौहार्दता को स्थापित करने का उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। 3,570 किलोमीटर की यह भारत जोड़ो यात्रा देश में बड़े युद्ध स्तर पर और बृहद स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाएगी 2024 में। देखिए, यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, किंतु देश के लोगों ने ठान लिया है, संकल्प लिया है कि जिस तरीके से लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ पैदल चल रहे मीलों दूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये इस बात को रेखांकित और इंगित करता है कि किस प्रकार से आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश के लोग राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे नेता हैं, और जब कांग्रेस अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए कि देश की यही कांग्रेस पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होते हैं। 1998 में सोनिया गांधी जी चुनाव बन के पार्टी में आई थी, राजनीति में आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। मुझे बताइए, बीजेपी में कब से देश की राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद हेतु चुनाव होते हैं, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाया है जो कि प्रॉक्सी है पार्टी के, वास्तविक तौर पर अध्यक्ष तो अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है। बीजेपी की वर्तमान कैबिनेट में कौन से कैबिनेट मंत्री को स्वयं तौर पर डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी है? नितिन गडकरी जी है, राजनाथ सिंह जी है, किसी भी एक भी नेता को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है। दो व्यक्ति पूरी सरकार चला रहे, हम दो हमारे दो, अंबानी अदानी मोदी और शाह। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आक्षेप मढ़ने से पूर्व स्वयं के गिरेबान में थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए, आप वास्तविकता से अवगत होंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है कि जिसमें सदैव संगठनात्मक चुनाव होते हैं। मुझे बता दीजिए, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद हेतु कब संगठनात्मक चुनाव हुए थे, कब बीजेपी की एक महिला अध्यक्ष बनेगी, आरएसएस में कब महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होगी, मुझे बता दीजिए। इस तीन प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। ठीक है विकास जी, ये जवाब दीजिए भाई, क्यों बीजेपी में नहीं होता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए? उत्तर ही नहीं है, प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आशीष जी को या तो जानकारी नहीं है या चीजों को जानते समझते नहीं है। हर राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है, उसके हिसाब से राजनीतिक दल। आप तो संविधान में विश्वास नहीं करते, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया, आरएसएस पे बैन उस कंडीशन पे हटाया गया कि संविधान में विश्वास करेंगे, पार्टी का संविधान बनाएंगे। आप संविधान की तोहिन दे रहे हैं। खुलना, उन्हें मालूम था कि आशीष जी को मालूम है कि मैंने अभी आईना दिखाने जा रहा हूँ आशीष जी, इसीलिए मुझे आईना दिखाने की बात नहीं है। देश वास्तविकता से अवगत है, संविधान में कौन विश्वास करता है कौन विश्वास नहीं करता है। संविधान की तोहिन देना बंद कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। आपके आपके धोते लोकतंत्र का आईना अभी दिखा रहा हूँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ धीरज के साथ, पूरा देश देखेगा इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के धोते लोकतंत्र का आईना। आजादी के बाद से कांग्रेस के 43 साल एक ही राष्ट्रीय एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, ये कैसा लोकतंत्र है? जब गांधी परिवार विड्रॉ कर लेगा तब आपके लोग क्या देश है? आरएसएस के एक भी व्यक्ति ने देश के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं ली, वीर सावरकर ने भी स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं ली। दूसरी बात, नथुराम गोडसे की बात आती है, आजाद भारत का प्रथम आतंकवादी था नथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी और वो हिंदू महासभा का सदस्य था, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कालकुर्सित चेहरा देख लिया है श्रीमान गोडसे कौन था मुझे बताइए, नथुराम गोडसे कौन था बताइए, नथुराम गोडसे कौन था मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। 18,000 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए कांग्रेस के शासनकाल में और 2,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं कांग्रेस के। इस बात का उत्तर दे दीजिए, नथुराम गोडसे कौन था? जस्टिस नुपुर कमीशन की रिपोर्ट में आज में वीर सावरकर नथुराम गोडसे महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप में लीगल सस्पिशियस है,
बड़ा पेड़ गिरता है छोटा, जो बड़ा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है कह करके हजारों सिखों को मरवा दिया। गांधी की तारीफ मत कीजिए, आपसे कांग्रेस का दौरा चरित्र पूरा देश जान चुका है, पूरा देश कांग्रेस का दौरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का देश के समक्ष आज बेनकाब हो चुका है और उजागर हो चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप बढ़ने से पूर्व स्वयं के गिरेबान में जाकर देखिए, देश की आजादी की और स्वाधीनता संग्राम की एक भी लड़ाई में, संघर्ष में, आंदोलन में ना ही हिंदू महासभा ने, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और ना ही देश की आजादी के बाद जनसंघ ने किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हिस्सेदारी ली। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। कुंठित राजनीति कांग्रेस के अंदर होती है जो कार्यकर्ताओं को दबा के रखना चाहती है। अरे इतना झूठ बोलिए, शोभा नहीं देता आपके मुंह से, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रवृत्ति हो चुकी है ये, कांग्रेस की आंतरिक प्रवृत्ति हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि इन्हें मालूम है कि राहुल गांधी को रिप्लेस नहीं कर सकते, इन्हें मालूम है कि चाहे जैसे भी हो इन्हें राहुल गांधी के ही नेतृत्व में आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए आशीष जी, मुझे लगता है कि आशीष जी, हमें आशीष जी जैसे असंख्य कार्यकर्ता मजबूरी में केवल राहुल गांधी जी का गुणगान और ईर्ष्यगान करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि राहुल गांधी जी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इनको बोलिए मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दे दे, पहले राहुल गांधी जी की सभी का एसोसिएशन करना, पहले मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पार्टी की चुनावी प्रक्रिया का बात, पहले मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है? अब सुनिए भारतीय जनता पार्टी, सुन रहा हूँ ना, आप तो बातों का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई में लगे हैं। देश पूरा जानता है कि कौन देश के स्वाधीनता संग्राम में भारतीय विभाजीकरण के दौर में देश की जनता के साथ खड़ा था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में डिमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिमोनिटाइजेशन को ऑब्जेक्ट किया, लेकिन यदि आपने सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिंग पढ़ा होगा, नागर खन्ना ने जो किया, उन्होंने क्लियरली बोला कि पार्लियामेंट को बाईपास किया, आपने देश की करंसी को एक ही झटके में उनको अवैधानिक करार कर दिया, जबकि संसद की एक भी बेंच की कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। तीसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रेन का यूज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार ने सिफारिश की, रिजर्व बैंक ने मान लिया। तीसरी बात, निर्णय लेने की स्वायत्ता सरकार की नहीं होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेना होता है, लेकिन निर्णय सरकार ने लिया। ये है असंवैधानिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेट्रोल के मूल्य देखिए, डीजल के मूल्य देखिए, भारतीय जनलूट पार्टी है, जनता पार्टी नहीं है, देश के लोगों को लूटने का काम करती है। और अंतिम बात, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लागू करके, सरकार ने पिछले 7 साल में 25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया है। कितना? 25 करोड़ रुपीज देश के लोगों की जेब से पूरे धन कहा गया, अंबानी और अदानियों की जेबों को भरने के लिए। इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, विकास जी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए अब एक और यात्रा शुरू करने जा रही 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा। जितनी यात्राएं कर लें, दिल से दिल नहीं जुड़ रहा है श्रीमान जी, ये ध्यान रखिए। और जनता का दिल अब कांग्रेस से दूर हो चुका है, ये पूरे देश ने देख लिया है कि कांग्रेस पहले हाथ जोड़ती है और फिर उसी हाथ से गरीबों का गला दबा देती है, आदमी को जीना हराम कर देती है। हिमाचल में 3 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल के ऊपर, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का जो पूरा देश देख रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों की दुहाई देते हैं और हिमाचल में सरकार आते ही 3 रुपए बढ़ा देते हैं, ये पूरा देश ने जान लिया। यही दोहरी नीति है, मैं हमेशा से कहता हूँ कांग्रेस का दोहरा चरित्र ही उसके पतन का कारण है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कांग्रेस मुझे बताए, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा माननीय मोदी जी ने आवाज दिए। कांग्रेस ने एक योजना चलाई थी गाजे बाजे के साथ, इंदिरा आवास योजना, पूरी कांग्रेस मिलकर के पूरे देश में हमें ऐसा गांव दिखा दे जिस गांव में मुझे 5 आवास बने हुए दिखा दे, केवल 5 आवास, इंदिरा आवास, पूरी कांग्रेस मिलकर के। क्योंकि क्यों वो योजना अपना पेट भरने के लिए और अपने लोगों का पेट भरने के लिए चलाई जाती थी, आज इस देश में योजनाएं जनता का पेट भरने के लिए चलाई जाती हैं, जनता के कल्याण के लिए चलाई जाती है। मैं हमेशा से कहता हूँ यही बेसिक डिफरेंस है। कांग्रेस परिवार में गिरी हुई पार्टी है और हमारी पार्टी ही परिवार है, हमारा देश ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम काम करने वाले लोग हैं, हम कांग्रेस की तरह एक आदमी के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। ठीक है आशीष जी, अभी अभी विकास जी ने कहा कि कांग्रेस पहले हाथ जोड़ती है और फिर गरीबों का गला दबा देती है।
यदि कांग्रेस गरीबों का गला दबाने वाली पार्टी होती तो कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लेके नहीं आती कि जिसके अंतर्गत आज देश के 85% पॉपुलेशन को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। यदि कांग्रेस गरीबों का दबाने वाली पार्टी होती तो कांग्रेस पार्टी राइट टू एजुकेशन बिल लेके नहीं आती कि जो देश के 6 से 14 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर रही है और मुफ्त में शिक्षा। यदि कांग्रेस गला दबाने वाली पार्टी होती तो संविधान के साथ नहीं खड़ी होती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में विमुद्रीकरण घोषित किया गया, मल्टी लेयर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि कांग्रेस ने जो खाका बनाया था पूरा ड्राफ्ट, और जीएसटी का टोटली डिफरेंट था, सिंगल लेयर की बात की थी आपने, देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री में आपने मल्टी लेयर जीएसटी के ड्राफ्ट को पूरा पास किया जो कि देश की इकोनॉमी के साथ एक खिलवाड़ था। आज मुझे बताइए, ये बहुत तोहिन देते रहते हैं ना इकोनॉमी की, जीएसटी का जो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको यदि दरकिनार कर दिया जाए तो उससे ज्यादा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नोटिफिकेशन आ गई है कि जिसको लेकर पूरा एक जीएसटी का दूसरा बिल पास हो सकता है। तीसरी बात, यदि आप बीजेपी इतनी लोकहित की बात करती है तो देश के अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, ऐसे असंवैधानिक कानून लेके नहीं आते। यदि देश के लोगों की इतनी चिंता है तो आपने 370 को निकाला, लेकिन क्या कश्मीर के लोगों को पूछा कश्मीरियत क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया? तो शर्म आनी चाहिए। और ये बात कर रहे थे रोजगार की, देखिए यदि मैं आपको आंकड़े दूं, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े कि देश में वर्तमान में 19 से 25 वर्ष के युवाओं की यदि बात की जाए तो 84.74% यूथ आज बेरोजगार है। यदि महिलाओं की बात की जाए तो 19 से 25 वर्ष की 98% 98% ऑफ द वीमेन ऑफ अवर कंट्री आर अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंटली। तीसरी बात, यदि देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2014 में आपकी सरकार बनी, आज 2022 से कितने वर्ष हुए गिन लीजिए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने थे, कितने रोजगार प्रदान किए आज इस टीवी में आप देशवासियों को बताएंगे? कितने रोजगार आपने प्रदान किए? प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करने की बात की। एलपीजी सिलेंडर 400 रुपया में होता था, आज गया 1000 के पास। पेट्रोल डीजल की बात की तो देखिए, इसको लेकर एक अर्थव्यवस्था, शायद आप पढ़ लीजिए, आपके वित्त मंत्री को इकोनॉमिक्स अच्छे से आता नहीं है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है जिसमें स्टेट और सेंटर को शेयर मिलता है, लेकिन ये सरकार ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की, सेस इम्पोज किया कि जिसमें स्टेट को शेयर नहीं मिलता है, तो सारा का सारा धन लूटने का काम ये सरकार कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के बहुत बड़े जो अर्थशास्त्री है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने स्वयं अपनी किताब में रेखांकित किया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार इंपीरियलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट करके देश के लोगों का एक्सप्लोटेशन कर रही है कि पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल पर इतनी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की, 25 लाख करोड़ ऑफ रुपीज का आपने रेवेन्यू अर्जित किया है ओनली फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। पैसा किनको गया सबको पता है। क्यों लुटेरी सरकार बन रही है भाई बीजेपी, बार बार आशीष जनमत पार्टी भारतीय जनमत पार्टी, जनता पार्टी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने एक नाम लिया सुब्रमण्यम स्वामी का, तो सुब्रमण्यम स्वामी की और भी बातें आप जरा ध्यान से सुनिए। इटालियन बेबी के लिए उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। सोनिया गांधी जी के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए, देश ज्यादा उसमें रुचि लेगा। सोनिया जी कहाँ से है, राहुल जी क्या कर रहे हैं, इसमें देश के लोगों को रुचि नहीं है। ये डिबेट का तरीका नहीं है, मैं आपको भी ना डिबेट का तरीका नहीं है तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए। सोनिया जी किसी पर क्यों जा रहे हैं, आप हमें भी सुनिए धैर्य से, आप हमें भी सुनिए धैर्य से। ये क्या तरीका हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस अधीर पार्टी है, ये हर बार ये जाहिर होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, ना जनता की सुनते हैं ना कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। एक आदमी ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं कि भैया इसके पीछे चलो, आपको कहता भी होगा उसके पीछे आशीष जी को चलना पड़ेगा, ये आशीष जी की मजबूरी है। दूसरी चीज, सुब्रमण्यम स्वामी की एक बात ठीक है लेकिन दूसरी गलत है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कांग्रेस के चश्मे से आप नहीं देख सकते। इटालियन लोगों को ये नहीं, इटालियन गोत्रधारी लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, इस देश में गरीबों का गरीबी का राग अलापने वाले नाना जी कहते थे गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? दादी ने कहा गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? उसके बाद पिताजी ने कहा गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? इतने गरीब कैसे छोड़ गए कांग्रेस के लोग कि आज तक उन गरीबों का पेट माननीय नरेंद्र मोदी जी भर रहे हैं और 80 करोड़ देशवासियों को आज 2 जून की मुफ्त रोटी मुहैया करा रहे हैं। आज पिछले 2.5 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी हम गरीबों को रोटी मुहैया करा रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की गला दबाने वाली पार्टी है। मैंने इनसे एक उदाहरण मांगा कि एक योजना चलाई थी इंदिरा आवास योजना, पूरी कांग्रेस के साथी मिलकर के मुझे वो गांव नहीं बता पाए जहां 5
आवास इंदिरा आवास के बने हुए आज भी वो मुझे दिखाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज चलिए मेरे साथ, मैं ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां 2-4-5 आवास आपको प्रधानमंत्री आवास बने हुए मैं नहीं दिखा दूंगा। और ऐसे आवास मैं दावा करता हूं आपसे कि आज 30 साल बाद भी जाइएगा वो आवास आपको वैसे ही बने हुए मिलेंगे, इतने सुदृढ़ और सुसज्जित बनाए हैं लोगों के लिए, वो घोटाले की भेंट नहीं चढ़े हैं। दूसरी चीज, आज देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम, पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम उन गरीबों के लिए किसने लॉन्च की? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। कभी चिंता की कांग्रेस ने उन गरीबों की जो अभी बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की? दूसरी चीज, GDP जिनके शासन काल में कोरोना के बाद भी पूरा विश्व कह रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ रही है, सारी एजेंसियां झूठी हैं। कांग्रेस का ज्ञान सबसे अनोखा ज्ञान है जो कह रहा है कि भारत साहब डूबता जा रहा है, भारत खत्म हो रहा है। पूरी मोदी जो हो, चाहे अमेरिकन फेडरल एजेंसीज हो, चाहे जो हो, दुनिया कह रही है साहब। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर नहीं उन्होंने कहा, उन एजेंसियों ने, विदेशी एजेंसियों ने, कि दुनिया का चौथा अमीर आदमी होने का खिताब मोदी को नहीं मिला। दुनिया की चौथे अमीर महिला होने का खिताब जरूर सोनिया गांधी को उन्हीं विदेशी एजेंसियों ने दिया था उन्हीं के शासनकाल में। स्नेहा जी, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में ये रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस के शासनकाल में, कि विश्व सबसे ज्यादा देश में हाईवे माननीय अटल जी की सरकार में 6.5 साल में बने, 6.5 साल में सबसे ज्यादा हाईवे। इतने हाईवे कांग्रेस ने अपनी 40 साल की सरकार में नहीं बनाए थे जितने 6.5 साल में बनाए थे, ये रिपोर्ट आई थी UPA की सरकार में। दूसरी चीज, उसी उन्हीं अटल जी की एक योजना थी, नदी से नदी जोड़ो योजना, स्वर्णिम नदी से नदी जोड़ो योजना, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कांग्रेस की सरकार को लताड़ लगाई थी और ये कहा था कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कांग्रेस ने क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज माननीय मोदी जी अगर जल परिवहन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत कहाँ पे? असल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, जनता को मूर्ख बना करके वोट हासिल करते रहे। अब जब जनता समझदार हो गई, उनके प्रोपेगेंडा में फंस नहीं रही है, तो दुनिया भर का नया प्रोपेगेंडा ले आते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट यात्रा के रूप में हो, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ने के बाद गला पकड़ो यात्रा हो उनकी जो चलने वाली हो, तो वो इस तरीके की नौटंकियों से इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सजग हैं श्रीमान जी आशीष जी, आपकी तरह गुलाम प्रवृत्ति के नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, हम व्यक्तियों से जुड़े लोग नहीं है, हम विचारधारा से जुड़े लोग हैं। और उस विचारधारा में अंत्योदय प्रथम आता है और अंत्योदय का ही ये फलस्वरूप है कि आज रोजगार के मामले हो, चाहे सारे मामले हो, आप उठा के देख लीजिए UPA की सरकार से लेकर के पिछले सरकारों में जितने अच्छी तरह से योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। वरना स्नेहा जी आपको याद हो कि 1 रुपया चलता था और 10 पैसा नीचे पहुंचता था, ये कहने वाले प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल के थे ये भी अभी आशीष जी बताएंगे, ठीक है? और वो 90 पैसा किसे खिला देते थे ये भी बताएंगे। पूरे विपक्ष के पास मुद्दा नहीं आज स्नेहा जी बचा है, केवल 2 मुद्दे मैं हमेशा से कहता हूँ, अंबानी अडानी और मीडिया, इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है पूरे विपक्ष के पास। आज मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन विपक्ष 2024 के चुनाव में जा रहा है, उस 2019 से भी ज्यादा बुरी गति होने वाली है, ठीक है? आशीष जी देखिए, नेहा जी एक कहानी बताता हूँ। देश आजाद हुआ था, प्रधानमंत्री नेहरू जी संसद के प्रांगण में घूम रहे थे, एक महिला ने आकर उनका कॉलर पकड़ा और पूछा कि पूरे देश को आजादी मिली, मुझे क्या मिला? नेहरू जी ने बोला, आपको यही आजादी मिली कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का। तो जो विकास जी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सोनिया जी राहुल जी के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, तो ये आपके लिए बेहतर होगा आप मेरी बात में हस्तक्षेप ना करें। सुन लीजिए विकास जी, आपको सुनना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरमती रखिए, धैर्य रखिए विकास जी, आपको सुनना पड़ेगा, पहले आपको सुनना पड़ेगा, तब तक मैं आपकी बात को आगे नहीं ले सकूंगा। मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा विकास जी, आपको सुनना पड़ेगा, तब तक मैं आपकी बात आगे नहीं बढ़ेगा। विकास जी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, मुझे अपना बात रखने दीजिए, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, विकास जी मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, आपको सुनना पड़ेगा, धीमति रखिए। विकास जी का कहना है कि ज्ञान नहीं है तो थोड़ा ज्ञान ले लिया जाए, रुक जाइए, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा, आप भी ज्ञान लीजिएगा। आशीष जी रखिए, आजाद हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज आप आक्षेप लगा रहे हैं, ये आक्षेप लगाने की आजादी कांग्रेस ने आपको दी है। आज जो आजाद हिंदुस्तान में इतने आक्षेप लगा रहे हैं, इतने संवैधानिक संशोधन के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं,
देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं। यही आजादी कांग्रेस पार्टी ने आपको दी है। कांग्रेस ने संविधान बनाया था, सुन लीजिए ना, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सुन लेना चाहिए विकास जी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उन्हें बौखलाइए मत। हमें पता है आप सत्ताहीन होने वाले हैं, आप सत्ताहीन होने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। विकास जी को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान बनाया था। जी कांग्रेस ने संविधान बनाया तभी तो, और मुझे बताइए संविधान, आप देखिए आजादी कांग्रेस ने दिलाई, संविधान कांग्रेस ने बनाया, कल को ये कहते हैं कि देश में हर नागरिक कांग्रेस है, ये कैसा प्रोपोगंडा है कांग्रेस। अरे विकास जी इतना भी थोड़ा तार्किक बनिए, थोड़े तर्क लगाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा मनोमंथन कीजिए, थोड़ा संक्षिप्त में विचार कीजिए, मनोमंथन कीजिए, तो आप वास्तविकता से अवगत होंगे। दरकिनार कर दिया आज कांग्रेस ने, आज कांग्रेस ने सबको दरकिनार कर दिया, इस देश को दरकिनार कर करके कांग्रेस क्रेडिट चोर होती जा रही है। अब ये देखिए अब क्रेडिट चोर भी हो गए हैं कांग्रेस के लोग। विकास जी, जी यही आरोप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर लगाती है, और अब केंद्र की बात आ रही है, 2024 की बात आ रही है, तो यही आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। देखिए विकास जी, योजनाओं में केवल उद्घाटन का फीता काट लेने से योजनाएं नहीं चलती हैं स्नेहा जी, उनको काम कराना पड़ता है, उनको धरातल पे उतारना पड़ता है, वो काम माननीय योगी जी ने किया। तो मुझे लगता है अगर इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई ईर्ष्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनका अपना विषय है। दूसरी चीज, कांग्रेस का मामला बहुत गंभीर है। कांग्रेस के लोग उस संस्कृति में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस देश के जमीन से जुड़े हुए हर नेता का योगदान था, हर आम नागरिक का योगदान था। उस कांग्रेस में जन जन बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ था। मुझे लगता है गांधी जी आज बहुत पछता रहे होंगे कि उन्होंने ये आग्रह किया था जब 1942 में, जब कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्होंने जब एक उनकी प्रार्थना सभा हुई थी, उन्होंने ये बाकायदा आग्रह किया था। उनके एक कलीग के किताब में ये लिखा गया है बाकायदा कि गांधी जी ने ये आग्रह किया था कि इस कांग्रेस को आप खत्म कर दीजिए। और मुझे लगता है आज गांधी जी बहुत पछता रहे होंगे कि कांग्रेस आज इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि वो कल को ये भी कह सकती है कि स्नेहा जी आपका चैनल बनाने में उसका योगदान है, आप में भी उसका योगदान है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। और ऐसी स्थितियां कांग्रेस के लिए भी हास्यास्पद हैं और देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाली हैं। देश के आम नागरिक को क्रेडिट ना दे करके कांग्रेस केवल स्वयं को क्रेडिट देने में बिलीव करती है, और ये दुनिया का सबसे भद्दा मजाक आज इस लोकतंत्र में कांग्रेस इन देशवासियों के साथ कर रही है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें।